इस खबर के प्रायोजक हैं ब्रिजेश दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यव्रत महासभा उत्तर प्रदेश, नेता नहीं आजमगढ़ का बेटा। नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ जिले के अतरौलिया से है, जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की नेता फूलचंद यादव को चक्का जाम की रणनीति बनाते हुए उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उनको अतरौलिया थाने पर लाया गया। फूलचंद यादव की गिरफ्तारी की सूचना पाकर काफी संख्या में किसान तथा उनके समर्थक थाने पर पहुंच गए तथा उनके साथ थाने पर ही बैठे रहे। उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह तथा क्षेत्राधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला के पहुंचने पर फूलचंद यादव ने महामहिम राज्यपाल के नाम से संबोधित 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। फूलचंद यादव की मांग थी कि किसान विरोधी कानून सरकार वापस ले। किसान आंदोलन में मृत किसानों को शहीद का दर्जा एवं 25 लाख परिवार को दिया जाए। स्वामीनाथन कमेटी को पूरी तरह से लागू किया जाए। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया जाए। गन्ना घटतौली एवं धान खरीद में बिचौलियों को समाप्त कर किसानों को राहत दी जाए। सिकंदरपुर नरियाव मार्ग के तुरंत मरम्मत की जाए। स्थानीय किसानों एवं नागरिकों से टोल टैक्स न लिया जाए। आवारा पशुओं से किसानों को तुरंत राहत दिलाने हेतु उचित प्रबंध कराया जाए। चीनी मिल पर दबाव बनाकर किसानों का गन्ना सूखा होने का बहाना बनाकर खरीद करने से सरकार बच रही है, जिसको रोका जाए। डीजल पेट्रोल के बड़े दाम वापस लिए जाएं। रसोई गैस के दाम प्रति सिलेंडर 200 रुपए कम किए जाएं। आंदोलन में शामिल किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। जेल में बंद किसानों को तुरंत रिहा किया जाए। देश में 3 किसान बिल लाए गए हैं किसान विरोधी के। अब किसान यूनियन के आह्वान पर और देश के किसानों के आह्वान पे आज किसानों के समर्थन में चक्का जाम आंदोलन था। हम सैकड़ों साथियों के साथ दरवाजे पर बैठे हुए थे। उसी समय ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की तानाशाही पुलिस है, जबरदस्ती गिरफ्तार करके हमको थाने लाई है। और जो देश का काला कानून है और किसानों के विनाशकारी ये जो कानून है, जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये देश में आंदोलन चलता रहेगा। आज पूरे देश में किसानों का चक्का जाम आंदोलन है। उसी के तहत अतरौलिया आजमगढ़ में भी चक्का जाम आंदोलन हम लोग करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने मनमानी करके आताताई पुलिस जबरदस्ती हम लोगों को गिरफ्तार करके थाने लाई है। किसानों के समर्थन में केवल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का मामला है, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में आप पता कर लीजिए, हर जगह किसान आंदोलन। चूँकि ये सुबह सोशल मीडिया पर खबर चली है, तो आजकल लोग दूसरे की भी आईडी लगा करके इस तरह के भ्रम पैदा करते हैं। अब पूरे देश में किसानों के आंदोलन का समर्थन आज पूरे देश में चल रहा है। उसी के तहत अतरौलिया आजमगढ़ में भी किसान आंदोलन चल रहा है। और जब तक ये किसानों का, मैं समझता हूँ ये किसान बिल जो है डेथ वारंट के रूप में किसानों की मौत के मुँह में ढकेलने का यह कानून बनाया गया है, जब तक कानून समाप्त नहीं होगा तब तक देश में यह आंदोलन चलता रहेगा। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।